Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. भाइयों और बहनों, कल आपने बजट में और उसके बाद टीवी पर चर्चाओं में और आज अखबारों में एक बात पढ़ी सुनी देखी होगी। एक शब्द गूंज रहा है चारों तरफ, हर कोई बोलना शुरू किया है, देखते ही देखते कानों कानों बात पहुंचने लगी है। और वो क्या है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है कि साइज ऑफ द केक मैटर्स, यानी जितना बड़ा केक होगा उसका उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों के नसीब लोगों को मिलेगा। और इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये बनाने का लक्ष्य तय किया है, उस पर जोर दिया है। अर्थव्यवस्था की साइज और आकार जितना बड़ा होगा, स्वाभाविक रूप से देश की समृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी।